आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। अतः इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। मैं आपको कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का सत्र 2024 से 25 का CBSE सिलेबस अर्थात CBSE पाठ्यक्रम बताने वाला हूँ, यानी कि आपको यह बताने वाला हूँ कि आपका CBSE का 2024 से 25 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सामाजिक विज्ञान के किस बुक से कौन कौन से चैप्टर तथा कौन कौन से टॉपिक्स होंगे वो सभी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपकी कोर्स की संरचना देख लेते हैं, यानी कि आपके किस बुक से कितने अंक के नंबर प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और आपका मैथ वर्क क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आपके चार बुक हैं सामाजिक विज्ञान में, चारों बुक से 20-20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला है आपका इतिहास, यानी कि भारत और समकालीन विश्व 2, इससे आपके 18 नंबर के क्वेश्चन जो है वो आपके बुक से पूछे जाएंगे और यहाँ पर 2 नंबर का जो है वो मैप वर्क यानी कि मानचित्र कार्य रहने वाला है। मैप वर्क के बारे में भी फुल डिटेल में इसी वीडियो में बताया जाएगा कि मानचित्र से क्या क्या पूछा जाएगा, एग्जैक्टली वह आपको वीडियो के अंत तक बता दिया जाएगा। तो इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हो तथा सभी चीज़ों को नोट्स कर सकते हो या अपने कॉपी या बुक में टिक लगा सकते हो। फिर दूसरा है आपका भूगोल, यानी कि समकालीन विश्व 2, तो इसे 17 नंबर के प्रश्न आपके बुक से पूछे जाएंगे और 3 नंबर का जो है वो आपका मैप वर्क यानी कि मानचित्र से प्रश्न पूछा जाएगा। फिर तीसरा है आपका राजनीतिक विज्ञान, जिसे लोकतांत्रिक राजनीति 2 भी कहते हो, तो इसे 20 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे मानचित्र से कुछ नहीं पूछा जाएगा, यानी कि मानचित्र आपका बेसिकली भूगोल और इतिहास से ही पूछा जाएगा। फिर चौथा बुक है आपका अर्थशास्त्र, यानी कि आर्थिक विकास की समझ, तो इससे भी 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे भी मानचित्र वर्क आपका नहीं रहने वाला है। तो ये चारों मिलाकर के आपके टोटल हो जाते हैं 80 नंबर और आपका 20 नंबर का जो है वो रहने वाला है परियोजना कार्य मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट के, इंटरनल असेसमेंट के। तो इसमें भी आपका प्रोजेक्ट वर्क जो है परियोजना कार्य वो बेसिकली 5-5 करके 10 नंबर का होने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट वर्क में 5 नंबर का जो है वो पहली बात तो वाइवा रहेगा, ठीक है, प्रोजेक्ट से, और 5 नंबर का प्रोजेक्ट रहेगा। कहने का मतलब है आपको प्रोजेक्ट में क्या बनाना है मैं वह वीडियो के अंत में बता दूंगा। तो यहाँ पर 5 नंबर का आपका प्रोजेक्ट रहेगा और उसी प्रोजेक्ट से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 नंबर का जो है वो आपका यूनिट टेस्ट जो होता है पेन पेपर टेस्ट, उससे 5 नंबर में से अंक दिए जाएंगे और बाकी का 5 नंबर जो है वो आप जो स्कूल में कॉपी बनाते हो, जितनी भी अपनी कॉपियां मेंटेन कर रखी होती है होलीडे होमवर्क वगैरह, तो उसके 5 नंबर देते हैं। तो टोटल आपका 80 नंबर का एग्जाम हो गया और 20 नंबर यहां से हो गए, जिसमें 10 नंबर का प्रोजेक्ट रहने वाला है, 5 नंबर का आपके यूनिट टेस्ट होते हैं उससे नंबर दिए जाते हैं और 5 नंबर आपके कॉपी वगैरह मेंटेन करने के दिए जाते हैं। तो चलिए अब डिटेल में सिलेबस देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला बुक है इतिहास का, तो देख लेते हैं कि इतिहास से जो है वो कौन कौन से चैप्टर तथा कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। तो इतिहास का सबसे पहले आपका अध्याय 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो ये संपूर्ण अध्याय जो है वो आपके एग्जाम में दिया गया है, यानी कि ये कंप्लीट चैप्टर आपके सिलेबस में है। फिर है आपका अध्याय 2, भारत में राष्ट्रवाद, ये भी संपूर्ण चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाला है, इसके भी सभी टॉपिक्स जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर है आपका अध्याय 3, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ठीक है, आपका अध्याय 3 जो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इससे केवल आपका पहला टॉपिक जो कि है आधुनिक युग से पहले, यानी कि आपका पहला टॉपिक है तीसरे अध्याय का आधुनिक युग से पहले, तो केवल यही टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाले हैं और इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स है वो सारे आपके एग्जाम से रिलेटेड है, सिलेबस से रिलेटेड है, यानी कि आपके एग्जाम में तीसरे अध्याय से केवल ये पहला टॉपिक आने वाला है आधुनिक युग से पहले और इसके छोटे छोटे टॉपिक्स है वो भी होने वाले हैं। फिर है अगला आपका अध्याय 5, यानी कि अध्याय 4 जो है वो अध्याय 4 कम्प्लीटली रिलेटेड है। फिर है आपका अध्याय 5, मुद्रा संस्कृति और आधुनिक दुनिया, तो ये भी संपूर्ण चैप्टर आपके सिलेबस में दिया गया है, यानी कि 5वें चैप्टर से भी कुछ भी रिलेटेड नहीं है। फिर आपका दूसरा बुक है भूगोल का, तो भूगोल से आपका अध्याय 1 है संसाधन एवं विकास, ये संपूर्ण चैप्टर आपके बोर्ड में दिया गया है, यानी कि इससे कोई भी टॉपिक रिलेटेड नहीं है, ये कंप्लीट चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाला है। फिर आपका अध्याय 2, वन एवं वन्य जीव संसाधन, ये भी संपूर्ण चैप्टर आने वाला है। फिर आपका अध्याय 3,
जल संसाधन, ये भी संपूर्ण चैप्टर आपके एग्जाम में दिया गया है। फिर आपका अध्याय 4 कृषि, ये भी संपूर्ण चैप्टर आपके सिलेबस में है। फिर अगला है आपका अध्याय 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, तो ये भी संपूर्ण चैप्टर आपके सिलेबस में दिया गया है। फिर आपका अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग, ये भी कंप्लीट चैप्टर आपके सिलेबस में दिया गया है। यानी कि आपके भूगोल से जितने भी चैप्टर है उन सभी चैप्टर के सभी टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं। और बात करते हैं अध्याय 7, तो अध्याय 7 जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। मतलब आपका अध्याय 7 जो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इससे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन मानचित्र से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। नॉर्मल क्वेश्चन जो आपके 2 नंबर के 3 नंबर के होते हैं वो नहीं पूछे जाएंगे, ओनली आपके मानचित्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि मैप में दर्शाने के लिए कहा जा सकता है या पहचानने के लिए कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका भूगोल का यहाँ पर सिलेबस कम्प्लीट होता है। अब चलते अपने अगले बुक की तरफ। तो तीसरा बुक है आपका लोकतांत्रिक राजनीति, ठीक है, लोकतांत्रिक राजनीति 2। तो इसमें आपका अध्याय 1 है सत्ता की साझेदारी, ये भी संपूर्ण चैप्टर आपके सिलेबस में दिया गया है। फिर अध्याय 2 है संघवाद, ये भी कंप्लीट चैप्टर दिया गया है। फिर अध्याय 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले, ये भी कंप्लीट चैप्टर आपके सिलेबस में दिया गया है। अध्याय 6 है राजनीतिक दल, ये भी संपूर्ण चैप्टर जो है वो आपके सिलेबस में आने वाला है। अगला है आपका लोकतांत्रिक राजनीति से अध्याय 7 लोकतंत्र के परिणाम, तो ये भी संपूर्ण चैप्टर आपके सिलेबस में दिया गया है। तो आपका भूगोल और लोकतांत्रिक राजनीति से जो है पूरा कंप्लीट के कंप्लीट चैप्टर ही डिलीट कर दिए गए हैं, टॉपिक्स नहीं हटाए गए हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जितने भी चैप्टर है वो सभी चैप्टर तथा उनके सभी टॉपिक्स आने वाले हैं। बात रही टॉपिक्स के साथ सिलेबस बताने की, तो उसका जो डिस्कशन है वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि वो आपको कैसे मिलेगा टॉपिक वाइज, कि क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा, वो पूरा लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए। फिर चौथा और अंतिम बुक है आपका अर्थशास्त्र का, तो अर्थशास्त्र से आपका अध्याय 1 विकास, ये संपूर्ण चैप्टर आने वाला है। फिर आपका अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ये भी संपूर्ण चैप्टर आपका आने वाला है। फिर आपका अध्याय 3 मुद्रा और साख, ये भी संपूर्ण चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में है। फिर बात कर लेते हैं अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इससे आपके केवल दो ही टॉपिक्स है, जिसमें पहला है वैश्वीकरण क्या है और दूसरा टॉपिक है आपके वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। यानी कि आपके चौथे चैप्टर से केवल दो ही टॉपिक है, पहला है वैश्वीकरण क्या है तथा वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। तो इस प्रकार से आपका किस किताब से कौन से अध्याय तथा कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं वो बता दिया गया है। अब देख लेते हैं मानचित्र से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस किस टॉपिक के अंदर से पूछे जा सकते हैं, या यूं कहें कि क्या क्या पूछा जा सकता है। जो भी यहां पर बताया जाएगा उसके अंदर से ही सवाल पूछे जाएंगे, आपके मानचित्र में सवाल आएंगे। तो अब ये प्रश्न जो है वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर से ही पता चलेगा, यानी कि प्रतिदर्श प्रश्न पत्र से ही पता चलेगा। अब हिंदी मीडियम के जो है वो सैंपल क्वेश्चन पेपर नहीं होते हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, हिंदी मीडियम के सैंपल क्वेश्चन पेपर पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका मैप वर्क से या मानचित्र से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि बता दिया गया कि 5 नंबर का जो है वो आपका मानचित्र से प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से कुछ आपके इतिहास से और कुछ जो है वो आपके भूगोल से पूछे जाएंगे। यानी कि आपके दो ही बुक से मानचित्र संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। अब आपको मानचित्र कौन सा चाहिए, तो भारत का राजनीतिक रेखा मानचित्र चाहिए। तो आपका इतिहास से अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद, तो यहाँ पर आपका पहला टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, तो जिसमें आपका है कलकत्ता अधिवेशन जो कि सितंबर 1920 में हुआ था, नागपुर जो कि दिसंबर 1920 में हुआ था, और मद्रास में जो है वो 1927 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। तो इन तीनों से सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर है आपका सत्याग्रह आंदोलन जो कि खेड़ा में हुआ था, बिहार के चंपारण में हुआ था, तथा अहमदाबाद में हुआ था, मिल के मजदूरों के लिए मिल आंदोलन हुआ था। फिर है आपका अगला जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि आपके पंजाब के अमृतसर में हुआ था। फिर नेक्स्ट है आपका दांडी यात्रा, तो ये सब आपके टॉपिक जो है वो इतिहास से रहने वाले हैं मानचित्र में, यानी कि इन टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वो कैसे पूछा जा सकता है वो आप सैंपल क्वेश्चन पेपर से आइडिया लगा सकते हो। फिर आपका दूसरा बुक है भूगोल, तो भूगोल से आपका अध्याय 1 है संसाधन एवं विकास, तो इससे आपको केवल पहचानने के लिए कहा जाएगा कि मृदा के प्रकार बताओ, ठीक है, तो इसमें एक ही टॉपिक आपके मृदा के प्रकार।
फिर आपका अध्याय 3 जल संसाधन, तो इसमें आपको पहचानना भी होगा और चिन्हित करना भी होगा, यानी कि मानचित्र में या तो दिया रहेगा और बोलेगा ये जगह जो है वो कौन सा है, या फिर आपको चिन्हित करना होगा कि ये जगह दिया गया है और ये मैप में जो है वो किस जगह पर स्थित है यह बताओ। फिर अगला है आपका बांध, तो बांध में आपके कौन कौन से बांध से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी कि कौन कौन सा बांध एग्जैक्टली पूछा जा सकता है, तो इसमें है सलाल, भाखड़ा नांगल, तिहिड़ी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर तथा तुंगभद्रा। तो आपके बांध जो है कैसे भी पूछे जा सकते हैं कि सलाल बांध कहाँ है या भाखड़ा नांगल कहाँ है, राणा प्रताप सागर कहाँ है, कैसा भी इनमें से पूछा जाएगा, लेकिन इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। बांध तो आपके कई सारे हैं, लेकिन इन्हीं 8 बांध में से कैसा भी 1, 2, 3 जितने भी हो सकते हैं वो पूछे जा सकते हैं। फिर आपका अध्याय 4 कृषि, तो इससे केवल पहचानने के लिए कहा जाएगा कि चावल और गेहूं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। फिर है आपका अगला टॉपिक मुख्य उत्पादक राज्य, गन्ना, चाय, कॉफी, रबड़, कपास और पटसन के जो है वो मुख्य उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। फिर आपका 5वां अध्याय है खनिज और ऊर्जा संसाधन, तो इसमें भी केवल पहचानने के लिए कहा जाएगा कि खनिज, जिसमें खनिज में आपका पहला है लौह अयस्क की खदानें जो कि मयूरभंजी, दुर्गा, बेलाडीला, बल्लारी तथा कुद्रेमुखी में स्थित है, तो इसमें से पूछा जा सकता है। दूसरा है कोयला की खाने जो कि रानीगंज, बोकारो, तलचल और नवेरी में है। फिर है आपका का तेल का क्षेत्र जो कि डिगबोई, नहर कटिया, मुंबई है, बेसिन, कलोल तथा अंकलेश्वर में है। उसके बाद आपके ऊर्जा के केंद्र है जो कि पहचानने के लिए भी और चिन्हित करने के लिए भी कहा जा सकता है, तो जिसमें आपका पहला है तापीय ऊर्जा के केंद्र जो कि नामरूप, सिंगलोरी और रामागुड़न में है, ठीक है, रामागुड़म में। इसके बाद है आपका आणविक ऊर्जा के केंद्र जो कि नरोरा, कल्पक्कम, काकड़ापाड़ा तथा तारापुर में है, तो इन्हीं के अंदर से प्रश्न पूछे जाएंगे कि तापीय ऊर्जा के केंद्र जो है वो सिंगरौली में है, तो सिंगरौली कहाँ पर है, या फिर आपके मानचित्र में कोई पॉइंट दे दिया जाएगा, अब बोलेगा कि ये कौन से आणविक ऊर्जा के केंद्र है या फिर कौन से ऊर्जा के केंद्र है। इसके बाद है आपका अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग, तो इससे भी पहचानना और चिन्हित दोनों के लिए आपको कहा जा सकता है, जिसमें आपका है पहला टॉपिक सूती कपड़ा उद्योग जो कि मुंबई, इंदौर, सूरत, कोयम्बटूर तथा कानपुर में है। उसके बाद है लौह एवं स्टील प्लांट जो कि दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर तथा सलेम, इसी के अंदर से पूछा जाएगा। उसके बाद है आपका सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो कि आपके नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में स्थित है, ठीक है, तो इसमें जो जगह दिए गए हैं उन्हीं में से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अंतिम है आपका अध्याय 7, जैसा कि आपको पहले ही बता दिया चुका है कि 7वां चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में 7वें चैप्टर से आपके प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न या MCQ प्रश्न, बस इसमें केवल मानचित्र से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। तो 7वां अध्याय है आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, जिसमें आपका पहला टॉपिक है मुख्य पतन यानी कि मुख्य बंदरगाह जो कि कांडला, मुंबई, मारमागांव, न्यू मंगलोर और कोची में स्थित है तथा तुतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम और पारादीप तथा हल्दिया में स्थित है, ठीक है, तो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है मुख्य पतन में से। फिर अंतिम टॉपिक है आपका अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन, ठीक है, जिसमें कि पहला है आपका अमृतसर में राजा सांझी, गुरु रामदास जी, फिर दूसरा है दिल्ली में इंदिरा गांधी हवाई पतन, फिर मुंबई में है छत्रपति शिवाजी हवाई पतन, फिर चेन्नई में आपका मीनाम्बकम हवाई पतन, उसके बाद कोलकाता में आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई पतन तथा हैदराबाद में आपका है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। तो इस प्रकार से आपका मानचित्र का भी सिलेबस कंप्लीट होता है। आपको किसी और टॉपिक का सिलेबस जल्दी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो तथा आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो आपको सूचना सबसे पहले मिल जाए। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि आपका प्रोजेक्ट वर्क जो है वो 5 नंबर का रहने वाला है, लेकिन प्रोजेक्ट वर्क से टोटल संबंधित जो है वो 20 में से 10 नंबर पूछे जाएंगे, ठीक है, 20 में से 10 नंबर जो है वो आपका प्रोजेक्ट वर्क का रहने वाला है, तो जिसमें आपके प्रोजेक्ट में बनाने क्या होंगे, तो यहाँ पर 3 टॉपिक दिया गया है, उपभोक्ता जागरूकता, सामाजिक मुद्दे और सतत पोषणीय विकास, तो इन 3 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे आपको परियोजना कार्य बनानी है, ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट बनाना है। अब इन तीनों में से जो टॉपिक आपको आसान लगता है उस पर
प्रोजेक्ट बना सकते हो और उसे अच्छे से आप समझकर याद कर सकते हो, ताकि उससे संबंधित प्रश्न पूछने पे आप इजीली उनके जवाब दे सको। तो पहला टॉपिक आपका कौन सा है? उपभोक्ता जागरूकता, ठीक है। दूसरा है आपका सामाजिक मुद्दे, और तीसरा है सतत पोषणीय विकास। ये तीनों नहीं बनाने आपको, ठीक है, इन तीनों में से कोई सा भी एक बनाना है। या तो आप सामाजिक मुद्दे पे बना लो, या सतत पोषणीय विकास पे बना लो, किसी पे भी बना लो, या उपभोक्ता जागरूकता पे बना लो, ठीक है। तो इन तीनों में से किसी एक ही टॉपिक पे आपको बताना है, ठीक है, एक ही किसी एक ही विषय पर, किसी एक ही टॉपिक पे जो है आपको प्रोजेक्ट वर्क बनाना है, जो कि आपके टोटल 10 नंबर का होने वाला है। तो इस प्रकार से जो है वो आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके नीचे में जरूर बता सकते हो। आपको आगे किस टॉपिक पे, किस सिलेबस पे आपको सबसे पहले वीडियो चाहिए, वह भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तथा अन्य आने वाले वीडियो की सूचना सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर सकते हो, ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो आपको सूचना मिल जाए सबसे पहले। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।